ये वीडियो एक तरह से YouTube मार्केटिंग का एक क्रैश कोर्स है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप YouTube को अपने बिजनेस के मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनोज और आज हम इस वीडियो में देखेंगे सबसे सिंपल और यूजफुल मार्केटिंग टिप्स। एक मिनट, यूट्यूब मार्केटिंग टिप्स जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा 2022 में। शुरू करने से पहले अगर आप सोच रहे हैं कि YouTube आपको बिजनेस में कैसे मदद कर सकता है, तो मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूं जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे कि कैसे YouTube काफ़ी इफेक्टिव होता है अपने बिजनेस मार्केटिंग के लिए। Google का रीसेंट रिसर्च स्टडी यही कहता है कि 40% लोग प्रोडक्ट्स YouTube के जरिए देख के खरीदते हैं और 3 में से 2 खरीदार यही कहता है कि YouTube वीडियोस की मदद से ही वो अनुमान लगा पाए कि ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या नहीं। एक और रिपोर्ट यही कहता है कि YouTube एड्स ज़्यादा ऑडियंसेस खींचता है TV एडवर्टाइजमेंट से कंपेयर करने पर। इन कुछ सालों में YouTube में सब्सक्राइबर्स और देखने वाला क्राउड काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। अभी का स्टैट्स बस यही कहता है कि YouTube 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स ग्लोबली यूज़ करते हैं। तो आप इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करें और एंटरप्रेन्योर के नज़रिए से देखें कि इसे आप अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड विद YouTube मार्केटिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि काफ़ी टेक्निकल होगा, बहुत मुश्किल है ये सीखना, तो ये बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स होंगे जिसे आपको फॉलो करना है और आप इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं और हर दिन यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अब 3 भाग में बांट के देखते हैं। सबसे पहला द प्रेप वर्क, दूसरा द ऑप्टिमाइजेशन और तीसरा द प्रमोशन। अगर आप स्क्रिप्ट करना चाहते हैं अगले पॉइंट के लिए, तो आपके लिए इस वीडियो में टाइम्स अवेलेबल हैं जो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुने ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले आपको कि कैसे आप YouTube को अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले द प्रेप वर्क। किसी भी काम को शुरू करने से पहले प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये मेसअप हो जाता है। प्रेपिंग और प्लानिंग ही YouTube मार्केटिंग का सबसे मुश्किल भाग होता है। जब आप इसे बिल्कुल सही तरह कर लें और जब ये रूटीन बन जाए, तो आपके लिए ये आदत बन जाएगा और आप ये आसानी से कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। प्रेपिंग में सबसे पहले हम देखेंगे डिफाइनिंग योर आइडियल कस्टमर पर्सोना। हर बिजनेस का एक टारगेट मार्केट होता है और एक आइडियल कस्टमर का टाइप आपने डिसाइड किया होगा या सोचा होगा कि ये कौन इस्तेमाल करेगा या फिर ये किस ऑडियंस के लिए टारगेटेड है। तो अगर आप एक आइडियल कस्टमर पर्सोना पहचान लेंगे, तो आप और स्पेसिफिक टारगेटेड कॉन्टेंट और कैंपेन्स चला सकते हैं। कस्टमर पर्सोना मतलब आपके टारगेट ऑडियंस या आपके आइडियल कस्टमर कैसे सोचते हैं, या उन्हें क्या पसंद है, या उन्हें कैसे समझाया जाए, या उन्हें कैसे चीज़ें आकर्षित लगे। मूल रूप से आपके कस्टमर के अटेंशन का बिहेवियर समझना ही कस्टमर पर्सोना को समझना होता है। पर आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको ज़रूर रिसर्च वर्क करना पड़ेगा काफ़ी, क्योंकि आप अपने आइडियल कस्टमर पर्सोना को लॉकडाउन करेंगे तभी आप स्पेसिफिक टारगेटेड कंटेंट बना सकते हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स तक रीच करें। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं, ये तरीके हैं जिससे आप रिसर्च शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला, इंटरव्यू करंट कस्टमर्स। आप अपने करंट कस्टमर्स को इंटरव्यू करें, अपने कस्टमर्स से बात कर जान सकते हैं उन्हें प्रोडक्ट कैसा लगा और उन्हें ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, कि वो यूज केस क्या है उनका। सेटअप सर्विस टू स्कोप फॉर पोटेंशियल कस्टमर्स। सर्वेस बनाएं और लोगों के साथ शेयर करें और जानें कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं, जिनको आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है। स्टॉक योर प्रॉस्पेक्ट्स। आप फिर अपने प्रॉस्पेक्ट्स को और जान सकते हैं कि कैसे इन्हें अप्रोच किया जा सकता है, क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल जो ये लोग देख के आकर्षक होते हैं। आप फिर अपने प्रॉस्पेक्ट्स को और जान सकते हैं कि इन्हें कैसे अप्रोच किया जा सकता है, आजकल के ट्रेंड्स क्या क्या हैं और कैसे आकर्षक चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को पसंद होगा। अब इन इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करें, कौन सा एज ग्रुप, जेंडर, लोकेशन और कैसे इंटरेस्ट्स हैं आपके टारगेट ऑडियंस के। फिर आपको मिलता है आपके आइडियल कस्टमर पर्सोना। तो अब हम देखते हैं प्रेपिंग का सेकेंड पार्ट।
यूज टूल्स लाइक ट्यूब बडी फॉर योर रिसर्च। ट्यूब बडी एक ब्राउजर एक्सटेंशन है जो यूट्यूब कंटेंट बनाने में आपकी मदद करेगा। ये टूल आपको हाई परफॉर्मिंग वीडियो टॉपिक्स और सबसे ज्यादा सर्च किए गए कीवर्ड्स की जानकारी आपको देगा। ये टूलकिट आपको हाई परफॉर्मिंग वीडियो टॉपिक्स और सबसे ज्यादा सर्च किए गए कीवर्ड्स की जानकारी देगा आपको, और ये आपको सिखाएगा भी कि कैसे आप वीडियोस के लिए अच्छे टाइटल्स, टैग्स और डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं ट्यूब वीडियो के बारे में तो कुछ चिंता ना करें। ट्यूब बडी इस्तेमाल करने के लिए ट्यूटोरियल्स भी उपलब्ध हैं यूट्यूब में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रेपिंग का तीसरा पार्ट, क्रिएट अ यूट्यूब चैनल एंड नेल द लेआउट। अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो आप यूट्यूब के ऐप में अपना एक चैनल खोल सकते हैं, पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने बिजनेस के लिए अलग से एक जीमेल आईडी बनाएं और उस जीमेल आईडी से एक यूट्यूब चैनल आप खोल लें। आप अपने चैनल को यूट्यूब स्टूडियो के जरिए कस्टमाइज भी कर सकते हैं जो आपके यूट्यूब ऐप में अवेलेबल है, या आप यूट्यूब वेबसाइट के जरिए भी इस यूट्यूब स्टूडियो को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफाइल पिक्चर और एक बैनर ऐड करें। फिर आप अपने अबाउट सेक्शन पर अपने ब्रांड के बारे में बिल्कुल डिटेल जानकारी दें। आप ईमेल आईडी, वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके व्यूअर्स आपके चैनल से देख पाएंगे और क्लिक करके सीधा आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स या आपके वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। यूट्यूब स्टूडियो का पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। जब आपने अपने ब्रांड के लिए अकाउंट और चैनल बना लिया हो तो ध्यान रखें अपने यूट्यूब लेआउट का। कंसिस्टेंट थंबनेल डिज़ाइन का इस्तेमाल करें अपने सारे वीडियोस के लिए, और अपने चैनल को थोड़ा प्रोफेशनल लुक दें। कंसिस्टेंट थंबनेल डिज़ाइन आपके व्यूअर्स को भी हेल्प करता है अपने वीडियोस को स्पॉट करने में, क्योंकि उनके यूट्यूब पेज में तो इतने सारे वीडियोस होंगे। अगर आप अपने ब्रांड कलर और लोगो को भी थंबनेल्स में डाल सकते हैं तो और भी बेहतर होगा आपके लिए। अगर आप दुकान के वीडियोस देखते हैं तो आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपको फ्री टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे अपने चैनल के डिज़ाइंस के लिए, जिसके लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जनरेट एंड ऑर्गेनाइज आइडियाज, तो आपका चैनल बन चुका है, आपको अब कंटेंट आइडियाज और टॉपिक के लिए रिसर्च और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा। ऐसे में आपको बहुत सारे आइडियाज और टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको करने का मन हो, तो ऑर्गेनाइज रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप गूगल शेड्यूलिंग और ट्रेलो की मदद से ऑर्गेनाइज और शेड्यूल कर सकते हैं अपने कॉन्टेंट प्लान को, ऐसे आप कंसिस्टेंट बने रहेंगे। इन दोनों टूल्स की मदद से आप अपने आइडियाज और टॉपिक्स को आसानी से ट्रैक कर पाएंगे और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। और आपको हर दिन या फिर एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पर कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं यूट्यूब मार्केटिंग का दूसरा भाग, द नॉन स्टॉप ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सिर्फ एक प्रोसेस होता है, पर यह प्रोसेस बिल्ड करना और मेंटेन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सरल शब्दों में बताया जाए तो आप जो भी कंटेंट ऑनलाइन में पोस्ट करेंगे उसे ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग आपके कंटेंट को आसानी से ढूंढ पाएं। ऐसे करने से आपके व्यूअर ट्रैफिक ज़रूर बढ़ेगा, और ऐसे आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बढ़ेंगे, और उससे आपको ज़्यादा सेल्स मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे आप यूट्यूब वीडियोस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आउटलाइन द स्क्रिप्ट। पहले के 15 सेकेंड्स काफ़ी होते हैं, तो ध्यान रखें कि आप वीडियो के पहले 15 सेकेंड में ही ऑडियंस को आकर्षक करने वाला स्क्रिप्ट लिखें, या कुछ विजुअली आप उन्हें इंटरेस्टिंग दिखा सकते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने इस वीडियो को शुरू किया, आप कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक से लेके शुरू कर सकते हैं और फिर अपने कॉन्टेंट की ओर बढ़ सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड वीडियो टाइटल्स। आपको अपने वीडियो टाइटल्स भी ऑप्टिमाइज करने होंगे। आपको ऐसे टाइटल्स लिखने होंगे जो कैची हो और लोगों को वीडियो देखने के लिए मजबूर करे। जो यूट्यूब टाइटल जनरेटर टूल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरह के टाइटल फॉर्मेट्स का उपयोग करना होगा, जिससे आपको व्यूअर ट्रैफिक ज़रूर मिलेगा, या आप पहचाने कि किस तरह का टाइटल फॉर्मेट आपके चैनल को सूट करता है जो आपके लिए ज़्यादा व्यूअर ट्रैफिक लेके आता है। अगला स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अपने यूट्यूब वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शंस लिखना। डिस्क्रिप्शंस ऐसे लिखने चाहिए जिसमें थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन हो और ज़्यादा सस्पेंस हो, कि लोग उस वीडियो को क्लिक करके ही जाने कि उसके अंदर है क्या,
उसके अंदर किस बारे में बात हो रही है। बिना किसी हुक लाइन के एक यूट्यूब वीडियो को शुरू ना करें। इसे एक मिनी ब्लॉग की तरह आप समझ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे सकते हैं जो आपकी वीडियो के स्ट्रक्चर को बताए, या पूरे स्ट्रक्चर को भी आप लिख सकते हैं ताकि लोग जान पाए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में डिस्कस किए जा रहे हैं, या फिर आप रेलेवेंट लिंक्स दे सकते हैं जिसके बारे में उस वीडियो में बात किया जाता है। दुकान में हम अपने कंटेंट के मेन पॉइंट्स और रेलेवेंट लिंक्स शेयर करते हैं और हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स लिखते हैं। आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं एग्जांपल्स देखने के लिए कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है। एडिंग कैप्शंस एंड सबटाइटल्स। कैप्शंस ऐड करने से आपके कंटेंट सभी के लिए इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। लोग आपकी भाषा नहीं जानते हैं या अगर वो फिजिकली चैलेंज्ड हों तो कैप्शंस एक तरह है जिससे वो आपके वीडियोस को देख के समझ सकते हैं। कैप्शंस ऐड करने के लिए इतने सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जिसके लिए आपको बस वीडियो अपलोड करना है, प्रोसेस करना है और आपका कैप्शन जनरेट हो जाता है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर मिल जाएगा, देखना ना भूलें। आप उन्हें इस्तेमाल कर अपने वीडियोस के लिए कैप्शन जनरेट कर सकते हैं और अपने वीडियो को YouTube स्टूडियो में अपलोड करते समय आप सबटाइटल फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिजाइनिंग थंबनेल्स। हर वीडियो जो आप अपलोड करते हैं YouTube आपको उसके लिए थंबनेल सजेस्ट करता है। वो उसी वीडियो के अंदर से स्क्रीनशॉट लिया होता है, पर मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप वीडियो के इंटरेस्टिंग सीन या शॉट का स्क्रीनशॉट लें या आप कस्टम थंबनेल का भी उपयोग कर सकते हैं। थंबनेल आपके कंटेंट का फर्स्ट इंप्रेशन देता है। लोग आजकल थंबनेल देख के ही डिसाइड करते हैं कि उस वीडियो को चालू करना है या नहीं। आप बस ध्यान रखें कि आप थंबनेल में ऐसे कुछ मिसलीडिंग ना डालें जिससे लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं। ऐसे करने से आपके एंगेजमेंट रेट कम हो सकती है और आपको डिसलाइक्स भी मिलने के चांसेस हैं। तो याद रखें, थंबनेल्स को कंटेंट रिलेवेंट रखें, एक्साइटिंग रखें और कुछ आई कैची रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइज प्लेलिस्ट्स। प्लेलिस्ट बनाने से आपके चैनल ऑर्गेनाइज रहता है। प्लेलिस्ट को नाम देते वक्त आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, मोस्ट सर्च टॉपिक्स जो आपके ब्रांड से और बिजनेस से रेलेवेंट हो। जब आपके पास इनफ नंबर ऑफ वीडियोस हो जाते हैं तो आप एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं ताकि लोग आपके चैनल आते समय वो अपने इंटरेस्टेड प्लेलिस्ट को चुन के वीडियोस देख पाएं। लोग इसकी मदद से आपके वीडियोस को जल्दी से ढूंढ पाएंगे और बाकी लोगों के साथ भी वो शेयर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप दुकान चैनल को ही ले लें। आप देख पाएंगे कि हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हैं अपने अलग अलग तरह के कॉन्टेंट्स के लिए, ताकि लोग जब हमारे चैनल आएँ वो प्लेलिस्ट के द्वारा अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने प्लेलिस्ट से वीडियोस देख पाएं। आप प्लेलिस्ट के लिए भी डिस्क्रिप्शंस अब लिख सकते हैं जहां आपको डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन देना होगा ताकि लोग जब पहली बार आपके प्लेलिस्ट को देखते हैं वो समझ पाएँ कि इस प्लेलिस्ट में किस तरह के कंटेंट आपने डाला है। अब हम देखेंगे यूट्यूब मार्केटिंग का तीसरा भाग, द प्रमोशन। जब आप YouTube यूज़ करना शुरू कर चुके हैं और ज़्यादा ट्रैफिक चाहते हैं अपने चैनल के लिए, तो आपको प्रमोशंस करना चाहिए। प्रमोशन करने से आप अपने चैनल के लिए और भी ट्रैफिक जनरेट करते हैं और वाइडर ऑडियंस के लिए आप अपने वीडियोस शेयर करते हैं। आपके पास ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हो सकते हैं, सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं और व्यूज़ भी मिल सकते हैं, पर प्रमोशन करने से आपको ये सब कुछ डबल हो सकता है क्योंकि इससे आप और भी लार्जर अमाउंट ऑफ ऑडियंस को रीच कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कि प्रमोशन शुरू कैसे करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट। अगर आपको अपने नए वीडियो को प्रमोट करना हो तो आपको कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना होगा। आसानी से अगर आप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो है सोशल मीडिया की मदद से। आप अपने सारे सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। आप एक टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप शुरू कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप अपने बिजनेस रिलेटेड कंटेंट ही शेयर करेंगे। आजकल लोग गिव अवे कॉन्टेस्ट रखते हैं, तो आप भी YouTube शॉर्ट्स की मदद से गिव अवे कॉन्टेस्ट अनाउंस कर सकते हैं अपने व्यूअर्स के लिए और उन्हें टास्क सेट कर सकते हैं जिसे करके लोग अपना गिव अवे विन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोलैबोरेट विद अदर यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। कोलैब्स मतलब आप दूसरे यूट्यूबर्स के साथ मिलके एक वीडियो बना सकते हैं। ये आपके विजिबिलिटी को बढ़ाता है और आपके कंटेंट को एक नया ऑडियंस प्रोवाइड करता है। ध्यान रखें
कि आप ऐसे यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करें जो आपके बिजनेस के रिलेटेड कंटेंट डालता हो अपने चैनल पर, ताकि आप सही तरह के टारगेट ऑडियंस को रीच कर पाएं। रिमाइंड व्यूअर्स टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल। ये तो डिफॉल्ट है, सिंपल सा काम है, आपको ये प्रैक्टिस हैबिचुअल रखना होगा। लोग अक्सर सिर्फ वीडियोस देखने आते हैं यूट्यूब पर, तो आप उन्हें रिमाइंड करते रहें कि वो आपके वीडियोस के लिए फीडबैक के तौर से कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर उन्हें वो वीडियो पसंद आया हो। तो सिंपल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। नेक्स्ट, एंगेज इन कमेंट सेक्शन। ध्यान रखें कि आप अपने व्यूअर्स को रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन पर रेगुलरली, जैसे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर करते हैं। जब लोग आपके साइड से इतना इन्वॉल्वमेंट देखते हैं तो वो भी आपसे कंफर्टेबल होंगे क्वेरीज या फीडबैक्स देने के लिए। आप अपने बिजनेस के रिलेवेंट चैनल्स में भी कमेंट कर सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही आप कोलैब अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकता है। ट्राई यूट्यूब एडवर्टाइजिंग। ये पेड एडवर्टाइजिंग है जो गूगल ऑफर करता है आपके वीडियोस को प्रमोट करने के लिए। अब आपको लगेगा कि मैं सीधे सीधे पेड एडवर्टाइजिंग ही क्यों ना कर लूं, इतना लंबा रास्ता क्यों लूं, इतनी मेहनत क्यों करनी है। ऑर्गेनिक प्रमोशंस और ऑप्टिमाइजेशन को कोई भी स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि आप तभी अपने ब्रांड और बिजनेस के लिए सही टारगेट ऑडियंस ढूंढ पाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक स्ट्रांग कस्टमर बेस आप बना पाएंगे। YouTube एडवर्टाइजिंग आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को बूस्ट करता है और नए और वाइडर ऑडियंस ढूंढने में मदद ज़रूर करता है, पर अपने व्यूअर्स को इंटरेस्टेड रखना और वीडियो से हुक्ड रखना आप पर डिपेंड करेगा। गूगल सबसे लार्जेस्ट सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है और सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। अगर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को लेके बहुत सीरियस हैं, तो आपको अपने ब्रांड इमेज और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब में ज़रूर होना होगा। तो जैसे हमने आज के वीडियो में देखा, आप यूट्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्रांड अवेयरनेस और सेल्स को बढ़ाने के लिए। अगर आप पहले से बिजनेस चला रहे हैं और अभी तक आपने अपने बिजनेस को ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं किया या सोचा नहीं उसके बारे में, तो ये बिल्कुल सही समय होगा, क्योंकि आप कभी भी अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं दुकान के साथ, बिल्कुल एक ही मिनट के अंदर। और आपको एक फुली फंक्शनेबल वेबसाइट मिलेगा, पेमेंट पोर्टल और शिपिंग ऑप्शंस भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ से दुकान के लिए साइन अप कर सकते हैं, ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो या अगर आपको इसमें मदद चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे टाइप ऑफ कंटेंट में जो आपको बिजनेस चलाने में मदद करें। ऐसे ही मैं एक और वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलूंगा, और तब तक ऑल द बेस्ट एंड धन्यवाद।